सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू जमजरली। यस, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, वन प्लस 10R इस समय लॉन्च होने वाला 28 अप्रैल को, और उसका प्रोसेसिंग और डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा है, और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, और रैम वैम प्रोसेसर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो ये कितना अच्छा प्रोसेसर होता है वन प्लस 10R। तो गाइस, इसमें मार्केट में 28 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, और देखो डेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि उसका प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्राइस भी डिसाइड हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन समय भी लग सकता है प्राइस डिसाइड होने में, क्योंकि वन प्लस 10R एक अच्छा स्मार्टफोन बनाने की कोशिश कर रहा है और इस समय उसका रिव्यू चल रहा है। तो गाइस, इस समय मैंने रिव्यू देखा, रिव्यू तो बहुत अच्छा रहा वन प्लस 10R का, लेकिन अब जब लॉन्च होता है तब उसका रिव्यू कैसा रहता है, लोग यूज करते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस देता है, ये तो बाद में ही डिसाइड होगा, लेकिन सबसे पहले स्मार्टफोन तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन समय के मुताबिक अगर अच्छा रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का रहता है और समय के पहले ख़राब नहीं होता है तो बहुत अधिक मार्केट में चलेगा, लेकिन समय से पहले ख़राब हो गया तो उसका मार्केट वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। तो गाइस, मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि वन प्लस 10R इस समय मार्केट में आने वाला है, 28 अप्रैल को लॉन्च होगा। तो गाइस, अगर आप लोग वन प्लस ब्रांड को परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि वन प्लस एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि एप्पल यानी आईफोन का बराबरी करता है, और कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि एप्पल के साथ कंपेयर किया जा सके, एक वन प्लस ही एक ऐसा ब्रांड है जो एप्पल के साथ कंपेयर करने के लिए तैयार किया गया। तो गाइस, बस आज की वीडियो इतना ही है, बस यही बताने के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन और अनबॉक्सिंग का भी आप लोग को मिल सकता है, लेकिन समय भी लग सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ संभव, नहीं सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बस आज के लिए इतना।